So, नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं जयपुर में डेकोर इंडिया शो में। जितना बड़ा शो है उतने ही ज्यादा यहाँ पर लोग हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि डेकोर इंडिया में घूमने के लिए आए हैं। तो क्या आप भी मेरे साथ डेकोर इंडिया में घूमना चाहेंगे? अगर घूमना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए मेरे साथ में और घुमाता हूँ आपको डेकोर इंडिया के शो में। सामने देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे डेकोर इंडिया में। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद सीधे आप अंदर देख सकते हैं बहुत सारी एग्जीबिशंस यहाँ पे लगी हुई है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कजारिया का स्टॉल लगा हुआ है। और एक बार थोड़ा सा मेरे पीछे आइए, मैं दिखाना चाहूँगा कि कजारिया जो है इंडिया का मोस्ट प्रीमियम ब्रांड इसको बोलते हैं। तो हैव अ लुक ऑन दिस स्टॉल स्पेशली कि किस तरह की यहाँ पे टाइल्स लगी गई है, क्या वो वास्तव में कंज्यूमर के लिए काम की चीज़ है या नहीं है। तो एक थोड़ा सा मैं लुक आपको दिखाना चाहूँगा कजारिया के स्टॉल का यहाँ पर। अमेजिंग अमेजिंग, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स यहाँ पे लगी हुई है। और इसका लुक लेते हुए अभी हम लोग घुमा के आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कजारिया की बहुत सारी स्टॉल्स है यहाँ पर और बहुत सारी टाइल्स लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे टाइल्स देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग मटेरियल्स रिलेटेड स्टॉल्स लगी हुई है। और कजारिया के स्टॉल के बाद हम लोग धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं फ्लोरिड ग्रुप की सबसे बड़ी स्टॉल पर। जी हाँ, ये फ्लोरिड ग्रुप है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स। मतलब दुनिया के किसी भी शोरूम से अगर आपको कभी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर कुछ भी परचेज करना है तो आप सीधे फ्लोरिड ग्रुप के ऐप से जुड़ सकते हैं या फिर उनके फिजिकल शोरूम से। मतलब बात इतनी सी है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट या जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज होती है वहाँ पर आप उसको ऑफलाइन नहीं देख सकते, बट फ्लोरिड ग्रुप का जो वर्क है उसमें आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मतलब वर्ल्ड के किसी भी शोरूम का अगर किसी प्रोडक्ट को आपको देखना है, फिजिकली देखना है, तो आप उनके शोरूम पे जाके देख सकते हैं। जयपुर में उनका शोरूम है न्यू आतिश मार्केट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्लोरिड ग्रुप का ये जो स्टॉल है इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए मेरे साथ अंदर। और डिफरेंट तरह के यहाँ पे आप फैंस देख सकते हैं, मैग्निफिक फैंस हैं यहाँ पे, अलग अलग स्टाइल के फैंस हैं यहाँ पे। और ये 360 डिग्री फैन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अलग स्टाइल का बना हुआ है। और जितने फैंस हैं ये सब यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगे, आई एम श्योर कि आपको भी बड़े अच्छे लग रहे होंगे। इसके अलावा पीछे आप मेरे किचन सॉल्यूशन देख सकते हैं, आप यहाँ पर फर्नीचर देख सकते हैं। चलिए मेरे साथ आइए। और मैं अब आपको, अगर आप नया घर बना रहे हैं और अगर आपको यहाँ पर वॉलपेपर चाहिए तो वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। मतलब किसी भी तरह के बिल्डिंग मटेरियल और डेकोर प्रोडक्ट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फ्लोरिड ग्रुप पे आके आपकी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स वन गो के अंदर पूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी चीज़ें दिखाएंगे आपको, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी, भीड़ बहुत है क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे को मुझे लगता है कि 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक ये डेकोर इंडिया की एग्जीबिशन हो रही है। लेकिन 5 तारीख आज है और 5 तारीख को सबसे ज़्यादा रश है यहाँ पे। यहाँ पर वॉन्डर सीमेंट की स्टॉल लगी हुई है और इस साइड में मेरे गोल्ड मेडल की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलो पाइपिंग सिस्टम की स्टॉल लगी हुई है और बिल्ड स्टोरी दैट कंस्ट्रक्शन नीड्स, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी खासी भीड़ है तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह के बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, प्लम्बिंग, स्टेशनरी, हार्डवेयर, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मैंने काफ़ी देर यहाँ देखा था, यहाँ पर भी काफ़ी रश है। मतलब क्या होता है कि घर बनाने में बड़ा टेंशन वाला काम है और बड़ी दिक्कतें आती है, बट ये जो बिल्ड स्टोरी की टीम है ये आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और आपको जितनी भी नीड होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको ये लोग वन गो के अंदर आपके फुलफिल करते हैं। तो चलिए, ये थी बिल्ड स्टोरी की बूथ की डिटेल। और अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डेकोर इंडिया में और क्या हो रहा है। भीड़ बहुत है भाई, मैंने कहा ना, धीरे धीरे आगे चलते हैं। और ये चोड़िया ग्रुप है मेरे राइट साइड में, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। फॉरएवर इंटीरियर है, यहाँ पे ग्लैन के भी स्टॉल है जहाँ पर बहुत सारी चिमनियाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा GN एंटरप्राइजेस, मतलब स्कूल्स के अंदर जो भी अपने गेम्स के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर हिंदूवेयर स्मार्ट एप्लीकेशन, हिंदूवेयर का नाम बड़ा है, एक बड़ा ब्रांड भी है, और यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे अप्लायंसेस भी हैं, आप जिसे देख सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट, हिंदूवेयर इज द बेस्ट, सोच सकते हैं। आलीशान इंटीरियर स्टूडियो, घर में है ना, घर को कई बार सजाना होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, मतलब देखने में अच्छी लगती है, बट हम लोग सोचते हैं कि यार ये मेरे घर में होनी चाहिए, और शायद ये हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो, बट लिटरली बताऊं वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट वो बहुत ज़्यादा आरामदेह होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, इकोनॉमिक होती है। जैसे आप ये देख लीजिए, गेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस गेट को, तो ये ईजी टू हैंडल है और आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कॉस्ट होगी इसकी। देखिए आप किस तरह का ये गेट है, ईजी टू हैंडल है। तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कन्वीनियंस देती है, आराम देती है, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रीमियम प्लायम मार्केटिंग कंपनी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अग्रवाल वुडन्स, और फिर अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर है ग्रेट वाइट द फ्यूचर ऑफ ब्राइट, मतलब बहुत सारी लाइट्स हैं इनके पास में, और दुनिया में अगर आपको उजाला करना है तो आप ग्रेट वाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लायम की कंपनी है, राइट हैंड साइड पर रिसर्च नेटिंग, मतलब ये देखिए किस तरह के आप यहाँ पे नेट्स वगैरह हैं उसको यूज कर सकते हैं और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर है योर ट्रस्टेड इंडस्ट्रियल कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मतलब अगर आपके इंडस्ट्रीज है बहुत बड़ी बड़ी, तो इवेपोलर इको फ्रेंडली एनर्जी सेविंग कंपनी है यहाँ पर, जो कि आपको कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल कूलिंग सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इवेपोलर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि एसन स्टेलर, इसके बाद में है अलग अलग तरह के यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब डेकोर इंडिया में क्या होता है कि ना केवल आपको घर बनाने से संबंधित चीज़ें बल्कि आपको घर को डेकोर करने से संबंधित चीज़ें भी मिलती है। जैसे हाउस सूत्र है मेरे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, और जिस तरह का फर्नीचर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कहा ना आज संडे है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ को चीरते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप आगे कितनी भीड़ है यहाँ पे, और अब धीरे धीरे हम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में वंस अगेन कारीगरी फर्नीचर है यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के सोफाज हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद है अजय पाइप्स, वंशिक इलास्टोमर्स, इंसुलेटेड मॉडर्न हाउसेस, वाह क्या नया कॉन्सेप्ट है। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, ये इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड मेटल रूम, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं, और एक बार इंसुलेटेड मॉडर्न हाउस के अंदर आपको सैर करवाते हैं। आइए मेरे साथ में, वॉल का सपोर्ट कैसे लेते हो, कैसा ये घर है ये भी देख लेते हैं, इसके बेनिफिट क्या होता है ये भी इनसे पूछेंगे। ये इंसुलेटेड है, मैं पहली बार इंसुलेटेड कमरे में आया हूँ भाई, इससे पहले कभी नहीं आया, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इंसुलेटेड इस रूम की क्या विशेषताएं होती है। सर इंसुलेटेड ये जो आपने बना रखे हैं रूम्स, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इंसुलेटेड जो आपने मॉडर्न हाउस बनाया है इसकी क्या स्पेशलिटी है। सर इसको हम इजी टू शिफ्ट कर सकते हैं, आपको कहीं पे अगर ये लग रहा है कि आप इंसुलेशन नहीं है, सर्दी ज़्यादा है गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे आपको लेबर कॉलोनी। इसका टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर इसका मतलब आप इनपुट इस पर कुछ भी दीजिए, 40 डिग्री या 100 डिग्री भी देंगे तो आउटपुट इसका जीरो रहने वाला है। लाइव टेस्टिंग चला के हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे आप लाइव टेस्टिंग देख सकते हैं मेरे साथ में, मतलब ये हीटर है यहाँ पर गर्मी है और ये गर्म है अभी जी, और अगर आप अदर साइड को चेक करेंगे ये जीरो रहने वाला है, ये जीरो रहने वाला है, इधर टेंपरेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठंडा रहेगा ये, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है, और यहाँ पर आप लगाएंगे तो गर्म है भाई, हीटर चल रहा है यहाँ पर, ये टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं, मतलब वन साइड गर्म है और वन साइड ठंडा है क्योंकि बीच में इंसुलेशन है, इंसुलेटेड पैनल पीयू पैनल। आप इजी इजी टू शिफ्ट भी कर सकते हैं, आपका आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे अभी 2 महीने रहना है उसके बाद मुझे शिफ्ट करना है, तो आप इजीली इसको किसी भी गाड़ी में ले जाके कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब अगर आपका जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता रहता है आपको शिफ्ट करना है तो भाई इनसे संपर्क कीजिए, इनका नाम है वनिष्ठ इलास्टोमर्स, और आप अपने घर को शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर जोटवाड़ा में इनका, थैंक यू सो मच, और अब आगे बढ़ने की बारी है।
और अब हम लोग चल रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एनएससी पेंट्स, उसके बाद प्रीकास्ट कंपाउंड वॉल्स, और ये आ गया है हैवल्स के हम लोग स्टॉल पे, यहाँ पे आ चुके हैं। और हैवल्स के इस स्टॉल पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।